अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये फाइनली उठ गई है। आज हमने करना है इसका 5 मंथ का फोटोशूट और दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रिपरेशन होंगी। ये इसका टर्टल है जो कि इसके साथ सोता है। ओके, जैसा कि सबको पता है मैं एजर के लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, तो इसमें भी ये मैंने डक मंगवाई हैं 5। तो लिखना तो मैं इनसे 5 चाह रही थी, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। और इसमें मुझे सॉक्स ही लग रही हैं इसकी सॉफ्टनेस से, तो इसको मैं ओपन करके चेक कर लेती हूँ। जी, ये सॉक्स ही आई हैं। और इसके ड्रेस में 2 कलर थे, एक ब्लू और वाइट, तो मैंने वाइट और ब्लू ये दोनों ऑर्डर की हैं। तो देख लेते हैं इनका साइज़ जो मैं मंगवाना चाह रही थी वही आया है या थोड़े छोटे आए हैं। इसको थोड़ा देख लेती हूँ। जी, साइज़ में थोड़ा छोटा है, लेकिन मेरा बेबी भी छोटा है, तो होपफुली इसको अच्छा ही पूरा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं इसको पहना के। कलर तो दोनों ही बहुत अच्छे आ गए हैं और स्टफ़ भी बहुत ही अच्छा है, तो काफ़ी मुनासिब ये मुझे दोनों सॉक्स मिल गई। और इसके साथ मैं ये ड्रेस रख के भी देख रही हूँ, तो चलें जी, मैचिंग तो सारी ज़बरदस्त हो गई है, डक भी बहुत फिट लग रही हैं। तो अब इसको पहनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये सब कुछ कैसा लगता है। 5 डक हैं, तो लेट्स सी जो हमने सोचा है वैसे होता है या नहीं होता, और कौन सी सॉक्स इस ड्रेस के साथ सूट करती हैं, वाइट है। क्या क्या सीन है। अच्छा जी, आज मैं सोच रही हूँ यहाँ फोटोशूट किया जाए, तो ये छोटी छोटी डक पड़ी हुई हैं, इन्हें देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि आज मैं थोड़ा सा डक थीम रखना चाह रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली चाइनीज इसको बोलते हैं कि ये डक बतख की तरह लगती है, तो आज मेरा मुझे भी ये इस पर ना यही आता था इसका फेस देख के, तो मैं कहा चलो आज डक थीम ही रखते हैं। हाई बोल क्यों नहीं रहा, फूस होया हुआ है, इसको देखते हैं। यस, ये बोलते भी हों, रेसलिन बड़ी खुश होती इनको देख के। अच्छा, ये 5 मंथ की हो जाएगी इंशाल्लाह, और ये 5 ही बतखें हैं, ठीक है। लेकिन मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैं इनको 5 को ऐसे रख देती हूँ तो क्या सबको समझ में आएगा कि ये 5 मंथ की होगी है, इसलिए मैंने 5 ये रखी हुई हैं। तो खैर, फिर मैंने ये सोचा है कि डक्स और फ्लावर्स मिला के 5 लिख दिया जाए। तो ये मैंने इसकी चीज़ें अलग करके रखी हुई हैं, ये फ्लावर्स वो तो डक के साथ मैच होंगे, ये डक वाला इसका ड्रेस और डक वाली इसकी सॉक्स 2 मंगवाई हैं, क्योंकि ड्रेस में जो कलर है वाइट भी कलर है और ब्लू कलर भी है, तो सॉक्स ब्लू कलर की और वाइट कलर की। अब मैं इसको दोनों पहना कर देखूंगी कि इसको सूट कौन सी इस ड्रेस के साथ करेंगी, ब्लू वाली करेंगी या वाइट वाली करेंगी, ठीक है। ओके, इन फ्लावर्स को भी वहीं रख देती हूँ। ओके, ठीक हो गया। इसके साथ हम 5 लिख लेंगे और एजल को रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। डक आ गई, डक ये देखें, इस वजह से इसे मैं कहती हूँ। ओए ओए ओए, इधर देखो एजू, कितना प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है आपका। अभी अच्छे से कपड़े पहन के हमने फोटो शूट करना है। ओके, रुको जरा, सबर करो। ये देखें, इसको मैंने ड्रेस पहना दिया मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ कि वाइट सॉक्स अच्छी लग रही है साथ में या ब्लू वाली, क्योंकि ये भी डार्क है, वाइट भी ऑफ वाइट सा है, अब मुझे समझ नहीं आ रही हो। ये देखो, ए डकू डकू, ए डक डक, मीठी मीठी
तो सॉक्स चेंज हो गई हैं, और ये मेरा एंग्री डक स्माइल नहीं करनी, ये देखे इसके ये गुस्सा चेक करें इसका, ये देखे ये सॉक्स वाइट सॉक्स के साथ, ब्लू वाले ही ज़्यादा सूट कर रही थी साथ में। ओके जी, ये थी पूरी वीडियो के पीछे के सीन, और अब आपको मैं नेक्स्ट इसका फोटोशूट भी दिखा देती हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर हमने कैसे कैसे फोटोशूट किया है। ओके डक को तो भूल गए थे। ये देखें, एक डक दूसरी डक के अंदर बैठी हुई है और साथ में डक वाले कार्टून देख रही है। इनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ रखूँ, तो मैंने इधर इनको अरेंज कर दिया। ये देखें,